रात्रि में हुई वर्षा के कारण सड़कों के किनारे हुए जल जमाव एवं गंदगी के दृष्टिगत अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी के नेतृत्व में सोमवार को नगर निगम द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समक्ष हुए जल जमाव तथा एकत्रित कचरे का निस्तारण कराया गया। इस दौरान एम्स परिसर को भी सैनिटाइज कराया गया, जिसके संबंध में सैनिटाइजेशन के सुपरवाइजर विंध्याचल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज एम्स सहित महानगर के चारों जोनों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया, जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुपरवाइजर विंध्याचल गौड़ ने कहा, नाम विंध्याचल गौड़, छिड़काव विंग सुपरवाइजर। आज कहाँ काफ़ी सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया? BID मेडिकल कॉलेज, चरगावा ब्लॉक, एम्स हॉस्पिटल और अन्य जगह पे सारे वार्डों में चारों जोन में छिड़काव हुआ है और पानी लगा था जहाँ जहाँ वहाँ सर सफाई करा के डस्टिंग का कार्य कराया गया। कितनी गाड़ियाँ लगी हैं सैनिटाइजेशन की? 55 गाड़ियाँ हैं, चारों जोन में भी बांटी हैं। QIT की भी गाड़ी है, QIT वाली जहाँ जहाँ मंडी है, बड़े अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, इस सब जगह सैनिटाइजर कराया जाता है।